बच्चे कहाँ हैं, अध्यापक कहाँ हैं, कि सभी देशवासी अपने देश में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कह सकते हो कि प्रभात फेरी निकाल दी जा चुकी है। आज देखिए बच्चों के इस कार्य। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आज के न्यू इंडिपेंडेंस स्पेशल ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला। आज का स्पेशल ब्लॉग में हम चलेंगे एक ऐसे विद्यालय में जहाँ पर हमने 9वीं से लेकर के इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की। तो विद्यालय में आ गए हैं और आज विद्यालय में मनाया जाएगा झंडारोहण। आज होगा प्रभात फेरी इस विद्यालय में। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, तो हम विद्यालय के अंदर आ गए। ये रहा प्रिंसिपल ऑफिस और यहाँ पर अध्यापक लोग बाइक खड़ा करते हैं। ये रहा मेरा विद्यालय जहाँ पर हमने शिक्षा प्राप्त की थी। मुझे लगता है मैं आज लेट में हो गया हूँ। देखिए, हमारे देश के अमर जवान शहीद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबके यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए जा चुके हैं। झंडारोहण भी हो चुका है, लेकिन विद्यालय क्यों खाली है भाई? कोई है ही नहीं विद्यालय में। बच्चे कहाँ हैं, अध्यापक कहाँ हैं? ओहो, देख सकते हो कि प्रभात फेरी निकाल दी जा चुकी है और सारे बच्चे विद्यालय से बाहर जा चुके हैं। सो गाइस, ये रहा प्रभात फेरी का देश हुआ। इस बार तो बच्चों ने कमाल कर दिया है। क्या बात है, डीजे लगा रखा है इन्होंने। देख रहे हैं बच्चे कितने खुश हैं कि आज के दिन हमारे देश को पूरी आज़ादी मिली थी। और 15 अगस्त तो पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, है ना। इस दिन मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कुछ कार्यक्रम जैसे ध्वजारोहण करना, देश में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर ध्वजारोहण करके इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना। ये देखिए, ये आ गई, ये भी हाय बाय कर रही है। हाँ, कर लेते हैं भाई। चलो चलो आगे, चलो 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 जल्दी से। और दोस्तों बता दें, स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश भर में नहीं, विभिन्न स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भाषण होता है, संगीत होता है, नृत्य कार्यक्रम होते हैं। गाय जाइए, बात कर ले प्रभात फेरी के विषय में। तो सुबह सुबह प्राथमिक विद्यालय में या सरकारी विद्यालय में पढ़ने में का जो प्रार्थना समारोह आयोजित किया जाता है, इसे प्रभात फेरी या प्रभात प्रार्थना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है, छात्रों को एक साथ लाना और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करना। से बोलो। इस दौरान छात्र और शिक्षक एक साथ मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं, है ना, और विभिन्न विषयों पे चर्चा। दोस्तों बता दें, यह छात्रों को एक दिन की शुरुआत करने के लिए यानी कि सकारात्मक अनुशासनात्मक तरीका प्रदान करता है, है ना। प्रभात फेरी वह कार्यक्रम है। और हम भी थे बच्चे जब मैं इस विद्यालय में पढ़ा, तो मैं भी प्रभात फेरी में निकला था हिस्सा। और तब का बात अब के बाद में बहुत है। आज देखिए बच्चों के इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, आज खुशी का माहौल है। तो आइए इन बच्चों के साथ आप भी खुश हो जाइए। 15 अगस्त मर रहे, देख रहे हैं कितने खुश हैं बच्चे। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, ऐसे ही 1947 जब देश यह आज़ाद हुआ, तो कितनी खुशी हमारे पूरे भारतवर्ष में रही होगी। एक बच्चा बच्चा खुशी के मारे उछल रहा था, कूद रहा था, ऐसे ही जैसे आज हमारे यहाँ के बच्चे आज 15 अगस्त के प्रभात फेरी के दौरान खूब इन्होंने जम करके नृत्य किया। विद्यालय के शिक्षक भी अपने बच्चों से बड़े खुश हैं। और प्रभात फेरी का कार्यक्रम अब धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है। अब जो है ये गाड़ी तो बाहर ही रहेगी, लेकिन बच्चे जो है अब विद्यालय के अंदर जाएंगे।
तो चलिए अब विद्यालय के अंदर ही चलते हैं, क्योंकि तो प्रभात फेरी का जब जो समय होता है 15 मिनट होता है, 20 मिनट होता है, लेकिन आज प्रभात फेरी का समय अधिक लगा क्योंकि मौसम इतना शानदार है, तो प्रभात फेरी में समय ही और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और अभी हम इंतजार करते हैं बच्चों का, प्रभात फेरी से वहाँ से वापस आए और मिलवाएंगे कुछ टीचरों से, उनसे भी थोड़ी सी बातें करेंगे। हर कार्यक्रम हो रहा था बहुत अच्छे से, काफ़ी आनंद आया, बच्चे काफ़ी खूब अच्छा सा डांस भी किए हैं और विद्यालय में सारे बच्चे पहुँच गए, आप देख सकते हो बच्चों के साथ हम भी हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है बच्चों की। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी आई है, वहाँ भी देखते हैं। दोस्तों बहुत ही सुनहरा पल होता है ना, मुझे देख करके तो यहाँ पे मुझे अपने बचपन की बात याद आ रही है कि जब मैं बच्चा था तो चोरी चुपके एक एक लड्डू देते, मैं 2, 3, 4 ले लेता और दो और टीचर भी पता नहीं क्या था, उनको याद नहीं होता था और देते थे। और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सारे विद्यालय के जितने भी शिक्षक सब यहाँ बैठे हुए हैं, आइए मिलते हैं। तो अब इतने सारे अध्यापकों से मिले, आइए इस विद्यालय के जो है प्रधान लिपिक से मिलते हैं। और प्रधान लिपिक का नाम क्या है? सत्यव्रत उपाध्याय। नाम है गुरुजी का सत्यव्रत उपाध्याय। तो गुरुजी आप सबसे पहले आपको प्रणाम, और आप हमारे चैनल पे क्या आप कहना चाहेंगे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर? बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, मेरे विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और प्रभात फेरी निकाली गई पूरे टाउन एरिया में बच्चों के साथ, शिक्षक संघ के अभिभावक के अगुवाई में, शिक्षक संघ के अभिभावक संघ के अध्यक्ष पंडित प्रेम नारायण पांडे जी साथ में थे और विधिवत प्रभात फेरी गाजे बाजे के साथ निकाली गई। और बाद में बच्चे विद्यालय प्रांगण में आए, बच्चों द्वारा अपना प्रतिभाग किया गया, भाषण दिए, गाना गाए, मंचन नाटक बहुत अच्छा रहा, बार पूरा विद्यालय भी भरा रहा। शिक्षकों की जो है अनुपस्थिति भी बनी रही, जिसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ यह 15 अगस्त का त्यौहार मनाया गया। और सारे देशवासियों को आप क्या सूचना, आप सभी देशवासियों को क्या सूचना देना चाहेंगे इस विद्यालय के प्रबंध समिति के माध्यम से? देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि सभी देशवासी अपने देश में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और सरकार का निर्देश था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि हर घर तिरंगा फहले, तो लगभग सब घरों पर तिरंगा फहर रहा है और आगे भी फहरेगा। धन्यवाद गुरु जी, आपने 2 शब्दों में अपनी बातें पूरी की, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ चंदन सोनी आर्ट की तरफ से, और जितने भी यहाँ के उपस्थित गुरुजन बृंद हैं और जितनी हमारी टीम है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर गुरुजी ने अपने मुखारविंद से 2 शब्द कहा, और 2 शब्द सुनते सुनते हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था जो भी ज्ञान गुरुजी दे रहे थे। ऐसे ही प्यारे प्यारे इंटरव्यू, प्यारे प्यारे ब्लॉग हमारे चैनल पे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं हूँ दुर्गेश सोनी और आप देख रहे हैं चंदन सोनी आर्ट यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बखैर।